गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट इज एसएसटी. इन एसएसटी योर फोर्थ चैप्टर इज द वेस्टर्न डिजर्ट. इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट आवर स्टेट राजस्थान. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल स्किप सेकेंड एंड थर्ड लेसन फॉर ए टाइम. इन नेक्स्ट टाइम वी विल रीड दिस लेसन. वी विल रीड डायरेक्ट चैप्टर फोर्थ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So this is your fourth chapter, the Western Desert. In this chapter, we will read about our Rajasthan state. Okay, so let's start. The Western Desert. Desert means, जानते हो आप, रेगिस्तान. Take a look at the map. It shows the extent of the Great Indian Desert. जब हम map को देखते हैं, तो हमें यह Great तो ये एक्सटेंट ऑफ द ग्रेट इंडियन डिजर्ट को शो करता है. ग्रेट इंडियन डिजर्ट शो करता है. यू ऑलरेडी नो दैट ए डिजर्ट इज कवर्ड विथ सैंड एंड गेट्स वेरी लिटिल रेन. हम ये पहले से जानते हैं, हमें जानते हैं कि जो डिजर्ट है वो कवर्ड हुआ हुआ होता है सैंड से, मिट्टी से, और वहाँ काफ़ी कम बारिश होती है. द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज नॉन इज ऑल्सो नॉन एज द थार डिजर्ट. जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट है वो जाना जाता है थार डिजर्ट के नाम से. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. यह हरियाणा किस बॉर्डर से लेके रन एंड कुछ तक फैला हुआ है गुजरात में. गुजरात में हरियाणा के बॉर्डर से लेकर यह गुजरात में रन और कुछ तक फैला हुआ है. ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान लाइज इन द थार डिजर्ट. राजस्थान का एक बड़ा भाग, बड़े भाग को थार डिजर्ट कहते हैं. द अरावली रेंज इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द थार डिजर्ट. जो अरावली पर्वतमाला है वो थार डिजर्ट के ईस्ट में पाई जाती है. द थार डिजर्ट इज ए ड्राई एंड हॉट डिजर्ट. जो थार डिजर्ट होता है वो ड्राई एंड हॉट डिजर्ट होता है. इट हैज़ मैनी सैंड ड्यून्स. और इसमें काफ़ी बहुत सारे सैंड ड्यून्स होते हैं, मीन्स रेतीले टिल्ले होते हैं. सैंड स्टॉम्स आर ए रेगुलर फीचर ऑफ द डिजर्ट. जो सैंड स्टॉम होता है वो इस डिजर्ट का रेगुलर फीचर होता है. Small streams and underground water are the only natural sources of water in this region. इस क्षेत्र में जो streams and underground water होते हैं वही सिर्फ एक natural sources होते हैं water के. Sometimes underground water comes to the surface and forms water bodies known as oases. और कई बार कुछ एक बार कभी कभी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है और वाटर बॉडीज की फॉर्म बन जाती है, जैसे कि ओसेज के नाम से जानते हैं. द लैंड्स अराउंड दीज वाटर बॉडीज आर फर्टाइल एंड हैंस विलेजेस डेवलप अराउंड देम. जो इन वाटर बॉडीज के अराउंड जो लैंड होते हैं वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं, जिसकी वजह से इसके पास में इसके चारों तरफ गांव विकसित हो जाते हैं. डेट प्लांट्स आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओजेज. जो डेट प्लांट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इन ओजेज की. कैमल्स आर इम्पोर्टेंट टू द पीपल ऑफ द डिजर्ट. जो कैमल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं जो डिजर्ट के जो पीपल होते हैं उनके लिए कैमल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं. They provide milk and are used to traveling and transporting goods from one place to another. ये इनको milk provide करवाते हैं और use किए जाते हैं traveling के लिए और माल को यात्रा के लिए और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए. One place to another place माल को पहुंचाने के लिए और traveling के लिए जो camel है वो use किए जाते हैं. Camels are also used to draw water from wells and to plough fields. और जो camels होते हैं वो field ploughing के लिए और water draw करने के लिए, means well से water खींचने के लिए भी use किए जाते हैं.
The climate in the thar desert remains very hot and dry throughout the year. जो क्लाइमेट होती है थार डिजर्ट की वो काफ़ी हॉट होती है और पूरे साल तक यहाँ सूखा रहता है. वाइल टेम्परेचर्स आर हाई ड्यूरिंग द डे, जब दिन के दौरान टेम्परेचर हाई होता है, द नाइट्स आर ऑलवेज कोल्ड, तो रात्रि नाइट्स जो वो हमेशा कोल्ड होती है. दिस रीजन रिसीव्स लिटल और स्कैंटी रेनफॉल, और इस क्षेत्र में काफ़ी कम बारिश होती है. ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण दौरान, ओनली प्लांट्स दैट कैन ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर और स्टोर वाटर कैन सर्वाइव हियर, यहाँ बने रह सकने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जिससे कि वो यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. कैक्टस, कीकर एंड बबुल आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स. कैक्टस, कीकर और जो बबुल होते हैं वो कुछ एग्जाम्पल हैं इन प्लांट्स के, जो कि अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ करते हैं और वाटर स्टोर करते हैं. पीपल बिल्ड हाउसेज विथ थिक वॉल्स, जो पीपल है वो यहाँ के जो पीपल है वो काफ़ी थिक मीन्स थिक वॉल्स के हाउसेज बनाते हैं. एंड स्मॉल विंडोज टू कीप अवे द हीट, और हीट को दूर रखने के लिए दूर छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाते हैं और थिक वॉल्स बनाते हैं, थिक वॉल्स और छोटी छोटी खिड़कियों से अपने हाउसेस बनाते हैं. लाइफ इन दिस इन द रीजन, राजस्थान, लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र में जीवन. राजस्थान नोन एज द डिजर्ट स्टेट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न डिजर्ट रीजन, जो राजस्थान है वो जाना जाता है डिजर्ट स्टेट के नाम से, और यह पाया जाता है वेस्टर्न डिजर्ट रीजन में, वेस्टर्न डिजर्ट क्षेत्र में. वेस्टर्न बीकानेर एंड जोधपुर आर टू सिटीज इन दिस रीजन, जो बीकानेर एंड जोधपुर है वो इस क्षेत्र में दो शहर है, इस क्षेत्र के दो शहर हैं. एग्रीकल्चर, शिप रेयरिंग, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, टूरिज्म एंड मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान. राजस्थान के पीपल का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, शिप रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर. दे ग्रो बाजरा एंड ऑयल सीड्स, ये उगाते हैं, ग्रो करते हैं बाजरा एंड ऑयल सीड्स. ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण, पीपल समटाइम्स मूव इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लुकिंग फॉर वाटर, तो पानी की तलाश में जो ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण पीपल ग्रुप्स में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, पानी की तलाश में लोग ग्रुप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं. दीज पीपल आर कॉल्ड बंजाराज, इन लोगों को बोलते हैं बंजारा. द पीपल ऑफ राजस्थान स्पीक इन हिंदी एंड राजस्थानी, जो राजस्थान के पीपल हैं वो बोलते हैं हिंदी और राजस्थानी. मैन वियर वाइट धोती एंड विथ कलरफुल कुर्ता एंड टाई, पगड़ी ऑन देयर हेड टू कीप द हीट अवे, गर्म हवाओं से दूर रहने के लिए, गर्मी से दूर रहने के लिए जो यहाँ के मैन है वो पहनते हैं वाइट धोती और उसके ऊपर कलरफुल कुर्ता और अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं. वुमेन वियर कलरफुल घाघरा, ओढ़नी एंड चोली, और जो यहाँ की औरतें होती हैं राजस्थान की वो पहनती है कलरफुल घाघरा, ओढ़नी एंड चोली. दे वियर लार्ज सिल्वर ज्वेलरी एंड सेवरल वाइट बैंगल्स दैट कम्प्लीटली कवर देयर, और ये पहनती हैं लार्ज मीन्स बड़ी बड़ी सिल्वर ज्वेलरी और वाइट बैंगल्स पहनती है दैट कम्प्लीटली कवर देयर, जो कि पूरी तरह से उनके कवर देयर फॉर आर्म्स, जो कि उनके पूरे आर्म्स को कवर कर रखते हैं. जैसलमेर, जयपुर एंड चित्तौड़गढ़ है फेमस फोर्ट्स, जैसलमेर, जयपुर एंड चित्तौड़गढ़ में फेमस फोर्ट्स है मीन्स किले हैं. राजस्थान इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज,
जो राजस्थान है वो भी जाना जाता है अपने नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज से। रन ऑफ कच्छ इज नॉन फॉर इट्स यूनिकली एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स, और जो रन एंड कुछ है वो जाना जाते हैं अपने यूनिकली क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी के कारण। द एरिया इज ऑल्सो नॉन फॉर एनिमल्स लाइक द वाइल्ड एश एंड द डिजर्ट फॉक्स, और जो एरिया है वो जाने जाता जो यंग एरिया वो जाना जाता है जानवरों जैसे कि वाइल्ड एश और डिजर्ट फॉक्स की वजह से। ओके सो स्टूडेंट्स, वी हैव रेड चैप्टर फोर्थ। ओके सो स्टूडेंट्स, वी हैव रेड चैप्टर फॉर द वेस्टर्न डिजर्ट। दिस चैप्टर यू विल रीड टू टाइम एट योर होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।